डेढ़ यूनिट में ये 80 किलोमीटर चलेगी। इसके अंदर ना क्लच है, ना इसके अंदर इंजन है, ना इसके अंदर गियर है, ये पेट्रोल ही नहीं है। वो देखिए उस राख, यहाँ से अगर कोई पेट्रोल डालेगा तो वहाँ से निकल जाएगा। ऐसे चलाएंगे और बाइक करते रहेंगे तो बाइक नहीं चलेगी। अगर कोई लड़की बैठती है तो उसने सिर्फ इसको ऐसे करना है। तो ये देखिए ज़रा, ये पास आके देखें इसकी, ये आवाज़ ही नहीं है कोई भी। कोई भी बुजुर्ग बंदा है, इवन के छोटा बच्चा भी है ना, वो भी इसको बड़े आराम से चला लेता है। वो कैसे है, ये बैठे हैं। अब ये देखें, सिर्फ ये करना है, जैसे वो बच्चे की इलेक्ट्रिक बाइक नहीं होती, इसी तरह से ये देखें इस तरह की, और ये बाइक ये चल। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। आज मैं आपको बताता हूँ ऐसी बाइक के बारे में जो कि इसके अंदर ना क्लच है, ना इसके अंदर इंजन है, ना इसके अंदर गियर है। ये देखिए ये जो चीज़ है ना, ये इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और अगर आप बैठेंगे ना इसके ऊपर, सबसे पहला जो रिएक्शन होता है ना, आप ऐसे ऐसे करते हैं। हम लड़के जो है ना, जब भी बैठेंगे ना, हम ये दबा देते हैं और इसको ये निकालते हैं, लेकिन असल में इसके अंदर क्लच ही नहीं है। देखें, ये पेट्रोल ही नहीं है। वो देखिए उस राख, यहाँ से अगर कोई पेट्रोल डालेगा तो वहाँ से निकल जाएगा। आगे इसकी तरफ एक चाबी ये है। अब इसमें आपको चाबियाँ बड़ी संभालनी पड़ेंगी। एक चाबी ये है, ये ऑन होती है। ये देखें 1 2 3, ये 3 सेल हैं इसके अंदर बेसिकली। ये बैटरी लो होने के लिए ये 2 हो जाएंगे, फिर 1 हो जाएगा और यहाँ पे आपकी बैटरी डेड हो गई। ये इसको बंद करने के लिए, ये इसको भी लग जाती है ये वाली चाबी, और ये चाबी इसको भी लग जाती है। इसका कोई फ़ायदा नहीं, ये ऑन कर भी लो तो ये बाइक नहीं चलेगी। ये अगर ऑन कर भी लो ना, ये जो बाइक है ना, जैसे हम ऑन करते हैं इसको, हम यहाँ रखेंगे ऐसे चलाएंगे और बाइक करते रहेंगे तो बाइक नहीं चलेगी। क्योंकि बाइक ये सिर्फ हॉर्न के लिए, ये जो हॉर्न लगा हुआ है ना, इसके लिए बस, ठीक है। ये जो है ना बेसिकली, ये है ऑन करने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऑन करते हैं और ये चलती। मैं आपको इसकी राइड करके दिखाता हूँ इधर पाऊँगा। अब सबसे पहले जो हम लोगों को मसला बनेगा, वो पता क्या बनता है, हम लड़कों को, हम ये ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई नहीं है। अगर कोई लड़की बैठती है, उसने सिर्फ इसको ऐसे करना है, शुरू गया बंदा और ये गाड़ी ये देखती। अगर आपको समझ नहीं आई, मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ करके, मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसका जो साउंड क्वालिटी है ना, वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। जो 125 या दूसरी बाइक है उसको, ये देखिए ज़रा, ये पास आके देखें इसकी, ये आवाज़ ही नहीं है कोई भी। इसके अंदर कोई आवाज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं चल रहा बाइक चल रही है कि नहीं। ये देखिए, ये फुल स्पीड में बाइक चल रही है। एक और चीज़ आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे ज़रा दिखाएं, ये लगा हुआ है स्पीड तेज़ करने के लिए। ये आप उस ऊपर करते हैं तो ये 1 पे आ जाता है, ये 2 पे आता है और ये 3 पे आ गया। समझ लें कि इससे ना 40 से ऊपर की अगर स्पीड आप चाहते हैं तो ये करना पड़ेगा, फिर ये स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज़ होगी। बाकी जो बाइक है बिल्कुल सेम है, इसके अंदर कोई चीज़ की चेंजिंग नहीं है। आपने ऐसे पक्के किया, कोई भी बुज़ुर्ग बंदा है, इवन के छोटा बच्चा भी है ना, वो भी इसको बड़े आराम से चला लेता है। वो कैसे है, ये बैठे हैं। अब ये देखें, सिर्फ ये करना है, जैसे वो बच्चे की इलेक्ट्रिक बाइक नहीं होती, इसी तरह से ये देखें इस तरह की, और ये बाइक ये चल। कुछ चीज़ चेक करवाता हूँ, ये अंकल की बाइक है एक, ये देखिए, ये अब दोनों का साउंड चेक कीजिएगा। ये हो रहा है, बाइक चल रही है। तो ये देखिए ज़रा, ये पास आके देखें इसकी, ये आवाज़ ही नहीं है कोई भी। गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।